हेलो फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार चीज़ बताने वाले हैं, हमारे वीडियो पे बने रहें। जैसा कि वीडियो में इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप आजकल मोबाइल तो यूज करते ही हैं, लेकिन उसमें कोई भी जैसे कि हम कुछ डाउनलोडिंग करते हैं या फिर कुछ वीडियो डाउनलोड करते हैं या फिर कुछ भी यूट्यूब का वीडियो देखते हैं या फिर कोई MP3 फाइल या फिर MP4 वीडियो वगैरह कुछ भी डाउनलोड करते हैं, तो हमें होता है क्या कि स्पीड का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो हमें स्पीड का प्रॉब्लम होता है, उसी का सॉल्यूशन मतलब उसी का हल निकालने के लिए कि हमें जो स्पीड है वो एक्चुअल में कितना स्पीड दे रहा है हमारे नेट, इसे पता करेंगे। तो उसे देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि मान लीजिए आपका घर कोई ऐसा एरिया में है जहाँ फिर हो सकता है जंगल झाड़ हो, पहाड़ी इलाका में हो, या फिर कहीं ऐसे इलाका में आप कहें किसी ऐसे फील्ड में कहाँ जो भी आपका घर है वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे जियो का नेटवर्क या फिर एयरटेल का, वोडाफोन, कोई भी ऐसा नेटवर्क है जिसे आप बराबर यूज करते हैं, जो आपका सिम लगा हुआ है, तो उसका जो स्पीड होता है, डाउनलोडिंग स्पीड और एक अपलोडिंग स्पीड, दो स्पीड होता है। जैसे कि अगर आप कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं, कोई MP3 फाइल डाउनलोड करते हैं या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर ऐप, कुछ भी ऐसा फाइल मतलब कि जिसे आप डाउनलोड करते हैं, ठीक ना, तो डाउनलोड होने का मतलब मेरा ये हो गया कि डाटा आपके पास आ रहा है। ठीक ना, डाटा आ रहा है मतलब आपका डाउनलोड हो रहा है। कोई अगर आपको वहाँ से व्हाट्सएप भेजता है, कोई आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, कुछ भी हो, वीडियो हो, कोई फ़ोटो हो, जहाँ से भेजते हैं वो भेजता है, उसके बाद वहाँ अपलोडिंग होता है। अपलोडिंग होता है तो वहाँ पे अपलोड का स्पीड अलग होता है कि हमारे उसको अपलोड कितना टाइम लगता है अपलोड होने में। और जैसे कि वो जो वहाँ जिसने आपको डॉक्यूमेंट भेजा है वो जैसे आप निकालेंगे तो वो डाउनलोड होगा। तो जैसे कि मैं देखिए, एक डाउनलोडिंग स्पीड होता है, एक अपलोडिंग स्पीड होता है। मैं डाउनलोड और अपलोड, अपलोड में भी आपका MB ख़त्म होता है और डाउनलोड में भी आपका MB ख़त्म होता है। तो दोनों का जो स्पीड है उसे कैसे चेक करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर चलते हैं। और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको डाटा ऑन कर देना है। ठीक ना, डाटा ऑन करने के बाद आपको नेट स्पीड मीटर लिखना है, नेट स्पीड इंडिकेटर लिख देना है या फिर मीटर लिखना है, जो आपका मर्जी वो लिख सकते हैं। नेट स्पीड इंडिकेटर लिख देंगे तो मैंने जो यूज किए हैं, हम जो अभी यूज कर रहे हैं उसे हम बताएंगे। जैसे कि देखिए, डायनामिक एप्स जो लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे है इंटरनेट स्पीड मीटर लाइट, या देखिए लिखा हुआ है तीन नंबर ऑप्शन पे, देखिए दिखा रहा है इस तरह। देखिए इंटरफेस है एक, देखिए डाउनलोड तीर का निशान नीचे दिया गया है और एक ऊपर दिया गया है। देखिए यहाँ पे तीर का जो निशान है, एक नीचे दिया गया है, एक ऊपर दिया गया है, तो इसको आपको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में। तो देखिए ऊपर में जो नेट स्पीड इंडिकेटर को लिख के सर्च करेंगे तो आपको देखिए इस तीर जैसा ऑप्शन, देखिए यहाँ तीन नंबर में ऐसा दिखाई दे रहा है, इसे आपको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में। और जैसे ही इसे इंस्टॉल कर लेंगे और इसे ओपन करेंगे तो कुछ आपको मेमोरी और एक्सेस जो भी कुछ मांगे उसको ओके कर देना है। उसके बाद देखिए इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। उनके पास देखिए यहाँ मोबाइल का कितना डाटा, कितना तारीख को कितना खर्चा हो रहा है वो पूरा शो होगा यहाँ, देखिए है ना। जैसे कि मेरा देखिए टूडे 451 MB, देखिए यहाँ पर उसका वाईफाई में इतना टोटल 451 MB ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर आ रहा है। तो इसको यहाँ पर नज़रअंदाज करना है और इसे पूरा ओपन करेंगे तो देखिए आपका जो यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन को इस तरह नीचे करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका देखिए यहाँ देखिए डाउनलोड, यहाँ पे देखिए स्पीड लिखा रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे DOWN लिखा हुआ देखिए यहाँ पर आ रहा है। देखिए अभी तो आपको दिखाता नहीं होगा, देखिए यहाँ पे स्क्रॉलिंग पर दिखा रहे हैं DOWN लिखा है, उसका देखिए 40 BPS लिखा है, उसका UP जो लिखा हुआ है वो अपलोडिंग स्पीड है और इधर डाउनलोडिंग स्पीड है। तो आप जैसे डाउनलोड करते हैं कुछ भी, आप अपलोड करते हैं, तो इस मीटर के ज़रिए आप पता कर सकते हैं कि आपका एरिया में जहाँ आप जिस लोकेशन पे आप रहते हैं उस लोकेशन का आपका जो भी नेट चलाते हैं, जो कंपनी का नेट चलाते हैं, उसका एक्चुअल में स्पीड कितना दे रहा है। तो इस ऐप के थ्रू आप अपने मोबाइल का इंटरनेट का जो स्पीड है, डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड दोनों को पता कर सकते हैं। और अभी करंट में कितना स्पीड दे रहा है, आप जिस
जहाँ पे आप मोबाइल आप अभी यूज कर रहे हैं वहाँ का भी ये स्पीड पूरा बताएगा। जैसे कि अभी देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये जीरो बता रहा है, और जैसे हम कुछ डाउनलोडिंग लगाएंगे तो पूरा स्पीड तक बताएगा कि आपका कितना KB पर सेकेंड या फिर कितना MB पर सेकेंड डाउनलोडिंग हो रहा है या फिर अपलोडिंग हो रहा है, तो दोनों चीज़ बताएंगे इस ऐप के माध्यम से। तो दोस्तों देखिए ये ऐप बहुत आसान तरीके से आप यूज कर पाएंगे, और इसे इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, बस आपका इंटरफेस यहाँ पर मोबाइल के इस तरह से स्क्रॉल कर लेंगे तो यहाँ पे डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों स्पीड यहाँ पर बताएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटे का निशान दबाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।